press the bell icon on the YouTube app and never मेरे को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। तो आज हम मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तान की शान और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाइक खान जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग मजेदार और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। 2020 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कंगना ने, और अब 2024 में आके इनको ये याद आया। और वैसे तो इस तरह के जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, इवन अगर पाकिस्तान में भी कोई प्रोटेस्ट होते हैं, हम लोग तो बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि कुछ लोग जो हैं, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग जरूर कुछ ना कुछ अपने लालच के लिए या अपने पैसों के लिए या किसी चीज के लिए आके उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसी कौन सी गलत बात कह दी थी? और उनका वो मैंने जो वीडियो देखा है, वो जो कांस्टेबल है वो कह रही जी मेरी माँ भी उसमें थी। तो आपकी माँ को थोड़ी वो कह रही थी, वो तो एक जनरली एक बात उन्होंने की थी कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शायद पैसे लेकर बैठे हैं। तो उसमें इतना भड़क जाना और 4 साल के बाद आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं से किसी ने भेजा होगा? क्योंकि एक आध वीडियो ऐसी भी मैंने देखी सोशल मीडिया पर, इंडिया से ही एक साहब बैठ के कह रहे हैं कि हम 1 लाख इनाम देंगे। फिर वहां से कनाडा से भी जो पन्नू और जिनके हम नाम ले रही हैं, तो उन्होंने भी कहा कि जी $10,000 का इनाम देंगे। इस किस्म की चीजें भी चल रही हैं, मतलब लोग इनाम भी दे रहे हैं। अगर इन्होंने इनाम एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। अब मैं इसके लिए भी आपको 2 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। मैंने जब 2023 में वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी के ऊपर केस किया था कलकत्ता हाईकोर्ट, द ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट में, कि वो ईद की नमाज में क्यों जाती हैं, 2022 में भी किया था और 2023 में भी किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया था कि वो ईद की नमाज में क्यों जाती हैं, क्योंकि हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारे इस्लाम के हिसाब से ईद जो होता है वो पॉजिटिव वाइब्स का और पॉजिटिव मैसेज का तरीका होता है, एक दूसरे को ग्रीट करने का, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का। उसको पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता है या कोई प्रोवोकेटिव हेटरेट या पॉलिटिकल स्पीच नहीं दी जा सकती है। तो नेताजी इंडोर स्टेडियम से ममता बैनर्जी साहिबा, जो वेस्ट बंगाल की, जहां की मैं वोटर हूं, जहां पर मैं मतदान करती हूं, उन्होंने मेरे लिए बहुत अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा एक मुसलमान लड़की है, बंगाली में उन्होंने कहा कि एक मुसलमान लड़की है वो अपने इस्लाम की बागी है और वो जाकर के कलकत्ता हाईकोर्ट में केस करती है, मुझे बुलाया जाता है इसलिए मैं आती हूँ। तो उनके साथ साथ फिर उनके नेता मंत्रियों ने भी मुझे बहुत मलाइन किया, फिर उनके जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत मलाइन किया। मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अगर एक लड़की को, एक महिला को अगर गाली दिया जाए, एक मर्द को भी गाली दिया जाएगा तो उसको भी बुरा लगेगा। तो मैं क्या करती, मैं क्या उस गरिमा, एक मुख्यमंत्री की गरिमा को तोड़ देती अपना गुस्सा पूरा करने के लिए? ये तो बिल्कुल संभव नहीं था। मैंने उनकी शब्दावली का जो रिप्लाई दिया है वो मैंने पूरे अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ दिया, कानून के हिसाब से दिया कि मुझे ये बात बुरी लगी, मैं मुसलमान महिला हूं और मेरे हिसाब से और कुरान के हिसाब से वो गलत कर रही है, इसलिए मैं सीधा कोर्ट गई। मैंने कोई आंदोलन नहीं किया, मैं कहीं धरने पर नहीं बैठी, मैंने कोई भूख हड़ताल नहीं किया, और ना ही एक ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक गरिमा, एक ऑनरेबल बॉडी को, मुख्यमंत्री को मैं किसी डिफेम और मलाइन शब्दावली के साथ मैं उनको बेइज्जत कभी नहीं कर सकती थी। तो ये एक तरीका होता है अपने गुस्से का रिप्लाई देने का। अब आती है बात कि अभी 2023 की ही घटना है, एकदम एंड की, जब हमारे, नहीं 2024 की घटना है, हाँ 2024 की घटना है, जब हमारे पार्लियामेंट पर वो ऑरेंज रंगों के साथ अटैक हुआ था, CPIM के उसमें कैडर थे और भी बंगाल से भी एक कैडर आया हुआ था। तो वो जो अटैक हुआ था उसमें भी पन्नू ने उन लोगों को अवार्ड देने की बात कही थी, उसमें भी देश के जो विरोधी हैं, जो देश से, इस देश की उन्नति से नफरत करते हैं, जो इस देश के सक्सेस से नफरत करते हैं, जो इस देश में संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा गया है उससे नफरत करते हैं, कानून को सख्त किया गया है 10 सालों में उससे नफरत करते हैं, तो उन लोगों ने वैसे क्रिमिनल को जो पार्लियामेंट पर अटैक करते हैं, घुस करके बंदर की तरह उछलते हैं, उनको भी पन्नू ने कहा था
कि इनको तो हम अवार्ड देंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी एक गैंग चल रही है हमारे भारत में, ऐसी एक गुट चल रही है हमारे भारत में, ऐसी एक टीम बिखरी हुई है टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के, जो गाहे बगाहे अपनी अपनी क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज को करती है और उसके बाद फिर पन्नू जो है वो अपने आप को सामने ला करके या कोई और मुस्लिम कंट्री के लोग अपने आप को सामने ला करके ये बताते हैं हम तो अवार्ड देंगे. अरे भैया अवार्ड दे दो ना पहले, पहले क्या नहीं दिए होंगे, पहले कुछ भेजे होंगे तभी तो इतना बड़ा कांड किया. देखिए जब भी हम किसी ऑनरेबल एक मामूली आदमी को भी अगर आप थप्पड़ मारते हो तो हमारे भारत के कानून के हिसाब से 509 506 की धारा लग जाती है और उसमें कुछ सजा भी हो जाती है, पेनल्टी भी हो जाती है और हैरेसमेंट भी होता है एक मामूली व्यक्ति को अगर आप एक थप्पड़ मार रहे हो तो इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप थप्पड़ मार रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर क्या होने वाला है. तो परिणाम को जानते हुए, पनिशमेंट को जानते हुए, सारी चीजों को जानते हुए अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको किसी ने कन्विंस किया है, आपको किसी ने मोटी रकम दी है, तब जाकर के आप अपनी जिंदगी को इतना विपद में और इतनी मुश्किल में डाल रहे हो. बिल्कुल ऐसा ही. और जबकि मैं जैसे मैंने कहा कि 2020 में जो कुछ उन्होंने कहा था वो कहा था और मेरे ख्याल इतना ज्यादा कुछ गलत नहीं था जिसके ऊपर आप जाके किसी को हिट करना शुरू कर दें. और जबकि आपके खुद की जिम्मेदारी, आप खुद सिक्योरिटी के उस पे खड़े हैं उस काम को छोड़कर और आप ये कर रहे हैं तो यकीनन ये कांस्टेबल जो है इनको एंड में एक और आपको बात बता देती हूँ. अभी देखिए ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन राहुल बाबा और इंडिया अलायंस एक ही बात रटता रहा कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो वो संविधान बदल देंगे. अरे भैया अगर उनको बदलना होता तो वो 10 साल में बदल देते ना, वो तीसरी बार का इंतजार ही क्यों करते, तीसरी बार का इंतजार ही क्यों करते, वो बदल देते 10 साल. 10 साल काफी था उनको संविधान खत्म कर देने के लिए या संविधान बदल देने के लिए, 10 साल काफी था. लेकिन उन्होंने जाहिल की फौजों को ये समझाया और जाहिल के फौज ये समझे भी और आज जब पार्लियामेंट में भारत के प्रधानमंत्री जब अपने अपने संवाद को रख रहे थे, अपनी स्पीच को रख रहे थे तो स्पीच रखने से पहले उन्होंने भारत के संविधान को माथा टेक करके चूमा है और कहा है कि इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा और इसकी सम्मान ही हमारा कर्तव्य है. बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन साथ ही नाजिया हम जैसे आपने बात की कि मेरे ख्याल 9th को शायद अब उठ लेंगे मोदी जी, उनकी एक पिक्चर भी आई है जिसमें आपकी प्रेसिडेंट उनको दही खिला रही है ना, वो चीनी दही चीनी खिलाई जाती है तो वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है देख के. कौन आपके ख्याल से कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके जिनके हेड ऑफ स्टेट आएंगे जी? मुझे याद है आरजू जी कि हमारी मेरी पूरी फैमिली मुस्लिम है और कभी भी कोई भी किसी ने भी किसी इंटर रिलीजन में शादी नहीं की है, पुश्त दर पुश्त हम लोग मुसलमान है. लेकिन मुझे याद है कि क्लास 1 की भी एग्जाम के लिए जब हम लोग जाते थे तो मेरी मम्मी हम लोगों को दही चीनी खिलाती थी, मुझे याद है. तो ये एक सभ्यता भारत की है, बिल्कुल है. और जो संवैधानिक मुसलमान है वो इन चीजों को लेकर के चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं. और काफी देशों से जो है वो ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं. 9 जून को 7:15 में शपथ है और एक हैट्रिक जो शपथ है और पूरी दुनिया, पूरे देश, पूरी दुनिया की नजरें जो है वो 9 जून को टीवी पर रहेगी. और बहुत गर्मी की वजह से इस शपथ समारोह को, क्योंकि खुले मैदान में होगा, बहुत लोग आएंगे, बहुत ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, बहुत देश के प्रेसिडेंट आएंगे, बहुत देश के प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे तो, और बहुत सारे गेस्ट भी आएंगे, तो इसलिए इसको शाम का वक्त दिया गया है ताकि वेदर थोड़ा अच्छा रहे. और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में लोगों की नजर सिर्फ टीवी चैनल पर होगी. जब वो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब कहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो देशभक्त, जो देश प्रेमी है उनके रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम के बाद देश को एक इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, उनको हम खोना नहीं चाहते. बिल्कुल. और यकीनन मेरा ख्याल है वेदर भी कुछ बेहतर ही होगा क्योंकि हमारे यहाँ तो यही बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में शायद बारिश भी हो जाए तो हो सकता है कि वहां पर भी, दिल्ली में होगा ना ये, दिल्ली में ही दिल्ली में बहुत गर्मी है. आज तो सुबह से जो टीवी चैनल पे स्टूडियो पे काफी पॉडकास्ट वगैरह थे मेरे, लेकिन गर्मी इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब तबीयत खराब हो जाएगी, इतनी गर्मी है. इसीलिए बहुत इवनिंग में ये समारोह रखा गया है. बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही कि बहुत ज्यादा गर्मी है. तो आप इस वक्त दिल्ली में ही हैं, आप भी जाएंगी उस इवेंट में? बिल्कुल.
और वहां से डेफिनेटली कोई ना कोई पिक्चर्स और वीडियोस जो है वो आपके सोशल मीडिया पर जो है वो हम इंतजार करेंगे कि देखेंगे क्या होता है। लेकिन पार्लियामेंट जो है उसके बाद कितने टाइम के बाद जो है पूरी कैबिनेट जो है वो तैयार होगी आपके ख्याल से, कि जब वो ओथ ले लेंगे मोदी जी उसके कितने दिन के बाद जो है हमारा वो अनाउंस करेंगे अपने अपनी पार्लियामेंट को या अपनी कैबिनेट को? देखिए, सारी प्रक्रिया चल रही है। कैबिनेट मंत्रालय जो है उसके ऊपर भी जितने भी कन्फ्रंटेशंस हैं, जितने भी गौर तालाब है वो किए जा रहे हैं, और कल शाम तक सारी चीजें सेटल्ड हो जाएंगी। और कल 8 तारीख भी है, और 9 को शपथ के बाद अगर मैं और आप बैठेंगे तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली हम बिल्कुल बैठेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे और अपडेट्स लेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पानी वानी पीते रहे, मैं सबको बोलती हूँ बहुत गर्मी है पानी पीते रहे। थैंक यू सो मच मातरम नाजिया, क्या आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, भारत माता, थैंक थैंक यू। यू। बिल्कुल तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और नाजिया अलाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने जानी भारत की बेटी नाजिया अलाई खान जी के पर्सनल विचार, खासकर कंगना रनौत थप्पड़ कांड के बारे में। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आपके पर्सनल विचार जो भी है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आप किसकी साइड देते हैं, आप कंगना रनौत को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो वो सीआईएसएफ की लेडी कांस्टेबल थी उसको सपोर्ट कर। और दूसरी ओर आपने देखा भारत की बेटी नाजिया अलाई खान जी ने बात की भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो की अब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, मजेदार और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।